गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मजे में हो? हाँ बच्चों, मैं भी बहुत मजे में हूँ। तो अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सभी पहले कक्षा में हो। तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ वर्णों की पहचान की थी, आज भी कुछ हम नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास यह ब बुक होगा, है क्या सबके पास? ये तीन वर्ण आज हम देखने वाले हैं। कौन से तीन वर्ण है? देखो बच्चों, य से यज्ञ, य से यज्ञ। उसके बाद र से राजा, र से राजा। ल से लड्डू, ल से लड्डू। या यज्ञ का, इसका यज्ञ। वेरी गुड। इसके बाद आप यदि पेस्ट आउट करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कई प्रकार के यहाँ चित्र हैं, है ना? हाँ, तो यहाँ पे है, चित्र को देखिए और पहला अक्षर लिखिए। यानी कि आपको यह चित्र देखने हैं जो कि हमने इससे पहले देखे हैं, है ना? हाँ, तो इनका पहला वर्ण आपको लिखना है, बहुत ही आसान है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? ढ से ढक्कन, तो यहाँ पे ढ वर्ण लिखना है। इस प्रकार ये आपको अच्छे से लिखना है और ये आपका क्या है? होमवर्क। वेरी गुड। यहाँ पे किसका चित्र है? यहाँ पे तितली का चित्र है। हाँ, इसको मराठी में फूलपाखरू कहते हैं, हाँ, और हिंदी में कहते हैं तितली, और अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाई। तो तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, है ना बच्चों? तो चलो इसको अच्छे से आप कलर करो, ठीक है? हाँ, इसके बाद दूसरा वर्ण है आज का र। कौन सा वर्ण है? र। तो र से क्या आता है? र से आता है रथ। हाँ, जब राजा महाराजाओं का जब समय था तब राजा जो था, राजा और रानी रथ में सवारी करते थे, इधर उधर नगर में जब जाते थे तो वो किससे सवारी करते थे? रथ से सवारी करते थे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम ये चार पंक्तियां पढ़ेंगे। हाँ, र से र सखे चलाए, राजा रानी को सिर गिराए। र से र सखे चलाए, राजा रानी को सिर गिराए।
क्या कहते हैं, चांदी, और वो रथ चलाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे रथ का चित्र दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे हस्ताक्षर में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी में यह राजा का मुकुट दिया है। तो ये राजा कहाँ पहनता है, अपने सिर पर पहनता है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा रहा है मुकुट, हाँ, तो ये कौन पहनता है, राजा। कौन पहनता है, ये राजा। और राजा यह शब्द जो है ये ऋ वर्ण से शुरू होता है, राजा यह शब्द ऋ वर्ण से शुरू होता है ना। हाँ, तो यह जो राजा है इसका जो ये मुकुट है इसमें अच्छे से रंग भरना है, और यहाँ पे कौन सा वर्ण लिखना है, ऋ, ऋ से राजा। ठीक है बच्चों, इसके आगे अब हम जाने वाले हैं। आप सभी तैयार है, हाँ, तो चलो बच्चों अभी हमारा इसके ऋ, ऋ के बाद का वर्ण है ल वर्ण। कौन सा वर्ण, ल वर्ण। तो ल से क्या आता है, लट्टू। आपको बहुत अच्छा लगता है ना लट्टू घुमाना, आप खेलते हैं लट्टू से। हाँ, तो बच्चों देखो ल से लट्टू घूमे गोल, बच्चों बोलो मीठे बोल। और एक बार ल से लट्टू घूमे गोल, बच्चों बोलो मीठे बोल। तो ये जो लट्टू है, ये लट्टू के साथ कौन खेलता है, छोटे छोटे बच्चे आपकी तरह, है ना, आपको भी पसंद। पेंसिल से यहाँ पे ल वर्ण लिखना है, और यहाँ पे एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी में क्या करना है, एक लड़की का चित्र और यहाँ पे एक लड़की का चित्र आपको अच्छे से क्या करना है, चिपकाना है, स्टिक करना है। ठीक है, तो लड़का यह शब्द भी ल वर्ण से शुरू होता है, और लड़की यह शब्द भी ल वर्ण से शुरू होता है। और यहाँ पे आपको लड़की का चित्र चिपकाना है और यहाँ पे लड़की का। बहुत ही आसान है एक्टिविटी हमारी, है ना। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को एक्टिविटी बहुत पसंद है कि नहीं। आपके पास ये कॉपी होगी, है सबके पास, हाँ। तो इसमें आपको ये जो हमारे वर्ड है जिनकी आज हमने पहचान की है, य, र और ल। य से यज्ञ, र से राजा, ल से लट्टू, ल से लड़का, ल से लड़की। तो ये तीनों जो वर्ण हैं यह आपको बहुत ही अच्छे अक्षर में यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आपको वर्ण य, वर्ण र और वर्ण ल की क्या करनी है, वर्कशीट भी छुड़ानी है। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उन्हें मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आप सभी को बड़ा स्टार चाहिए, सबको चाहिए, हाँ मुझे मालूम है। तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई।